सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 34 15/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 25 क्वेश्चन को आप एग्जाम में कम समय में देखती डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। ये हमारा सेट नंबर 34 है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल 2020 में जो आपके ऑनलाइन 38 एग्जाम हुए थे उनमें 34 नंबर सेट है। 38 सेट कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसमें आपके 5 जो चैप्टर हैं मेन उन सब क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ल्ड रिलेशन, आपका कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी, नंबर सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट। यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना पैटर्न चेंज करती है तो इन सभी चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाने निश्चित है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना है। 38 सेट कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर 2017 के पेपर को सोल्व करना बहुत जरूरी है, यदि आप 25 में 25 नंबर लेकर आना चाहते हो। आज की क्लास भी आपकी सावन सर ही कराएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है और पैटर्न को पूर्ण कर सकता है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है आंसर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये है ना हमारा, एक तो एक चतुर्भुज बन रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक तो इसमें हमारा बी वाले ऑप्शन में कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है भाई, डी वाले ऑप्शन में भी, सी वाले में भी है, ठीक है। लेकिन सी वाले में जो हमारी ये लाइन है ना, देखो ये लाइन है, ये लाइन मुझे पूरी हो रही है कोने से कोने तक, यानी कि सी वाला ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ए और डी में से हम ये चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो कट गए, जाहिर सी बात है बच रहे हैं दो ही को ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इन सारों में है ना, ये जो आधा डायग्राम है, ये आधा ये ऊपरला या ये निचलना, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड में वो बन रहा है ये चतुर्भुज, ये देखो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें डबल साइड में बन रहा है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है, 9 से 13 में कितने, 4 बड़े, 13 से 22 कितने, 9, ठीक है, 22 से 38 16, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 1, उसके बाद फिर 99, यानी कितने का वर्ग हो रहा है, 2 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग, 4 का, इब कितने को ना, 5 का वर्ग, 38 में 25 यानी 38 में 25 जोड़ो कितने आ जाएंगे, 8 5 13 का 3 का 3 2 5 1 6 63 63, ठीक है। इब 99 में हम 63 घटाएंगे, देखते हैं कि वो 6 का वर्ग बनता है या नहीं, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, 9 में 6 3 यानी कि 36, यानी कि हमारा जो हमारे 63 आई है हमारा राइट आंसर, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार असक्त और असक्त सक्त से पर संबंधित है, यानी कि असक्त, असक्त का मतलब होगा बिल्कुल शांत, उसके दौरान कोई पाबंदी ना हो, और उसके बाद उसका विपरीत क्या होता है, सख्त, ठीक, असक्त का विपरीत हो जाए सख्त से संबंधित, उसी प्रकार सक्षम से सक्षम का विपरीत, सक्षम का विपरीत क्या होगा, अयोग्य, यानी कि सक्षम का विपरीत क्या होगा, अयोग्य, ठीक है, सक्षम का अयोग्य, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी, जिसमें दी गई आकृति अंतनिया घुमाने की अनुमति नहीं है, ये बिजनेस में देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में तो ये कहीं तक कहीं बन रही, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है क्योंकि ये गोला है ना अंदर है, फिर इसमें पूछ रहा है बाहर, ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी में देख ले, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं इसमें बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसमें ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ए ऐसे, ठीक है, और ये लाइन से बीच की भी है और ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दी गई प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर इस आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है, जो हमारे है ना ये ऐसे है, ठीक, हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो यानी कि सी हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, हम सी देख लेते, इसमें सीधा है और इसमें सही है, ठीक, यानी कि क्या तो हमारा डी होगा या हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अब हम क्या हो रहा है, जो हमारा ए है ना, ये हमारा ए बी है, ये बी बी है, ये बी हमारा ये ऐसे आएगा, यानी कि ऊपर की साइड में बी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ए आ रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, अभी हमारी आकृति है, ये कितने डिग्री घूम रही है इधर आने के लिए, 90। ठीक है, ये आकृति हमारी इधर रह ली, यानी कि आकृति कितने डिग्री घूम रही है, 90 डिग्री घूम रही है, वो भी ऐसे इधर ली साइड में, यानी कि अगर यहाँ था तो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारा इसका जो गोला है, ठीक है, यानी कि यह आकृति हमारी ऐसी है, 90 डिग्री घूमने पर यह कैसी हो जाएगी, इस तरह की। ठीक है, इस तरह की आकृति हमारे कौन से ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें त्रिभुज और ये आयत सा है। ठीक, जो कि इसमें क्या है, त्रिभुज और आयत। ठीक है, इसमें त्रिभुज और आयत दोनों है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी आकृति बन रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये भी अब ऐसा था ना, ये जैसे बात इस तरह का था, तो जब हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। ठीक है, यानी कि अदर साइड में कम ब्लैक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा दो चिन्ह परस्पर बदले जाने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, 72 / 12 -7 / 9 × 36 = 15 जमा की जगह हम भाग करेंगे, भाग की जगह करेंगे हम जमा। ठीक है, 72, ठीक है, भाग की जगह हमें क्या करना है, जमा 12 - 7। ठीक है, जमा की जगह भाग, ठीक है, 9 × 36, यानी कि 7/9 आ जाएगा, ये वो है 9 × 36 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, 7 × 28, ठीक है, 28 से 72 में घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 4 84 में, तो जब हम 28 घटाएंगे जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी देख लेते हैं, गुणा और घटा। ठीक है, 72 भाग, ठीक है, जो भाग है उसे तो हम ऐसे लिखते हैं बटे में। ठीक है, -7 - की जगह क्या होना हमारा, गुणा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जमा 9 × 36। ठीक है, 12 × 72 642। ठीक है, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह घटा, यानी कि 36 में घटा जाए। ठीक है, 42 और 9 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 51। 51 में से 36 जाने के बाद कितना आ जाएगा, 15, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8, दी गई रेखा पर सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, बनाए गए घन में कौन सा चिन्ह इसकी है ना त्रिभुज इसके विपरीत पृष्ठ वाले के विपरीत पर होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा यह है ना, ये हमारा इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा, क्योंकि उन्होंने पूछ रहा है इस त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत क्या रहा, यह आ रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 25, 37, 61, 105 क्वेश्चन मार्क और 285। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 25, 37, 105 क्वेश्चन मार्क, 285। ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 12, ठीक है, 24, 12, 61 इसमें ऐसा है ना, इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, जब इसमें देख लेते हैं, उस पर्सन उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, 25 और 37 में कितने का डिफरेंस, 12 का। ठीक है, 37 और 61 में डिफरेंस कितने का, 24 का। ठीक है, 61 और 105 में कितने का डिफरेंस, 44 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 24 और 12 में कितने का डिफरेंस, 12 का, 44 और 24 में कितने का डिफरेंस, 20 का। ठीक है, 24, 20 और 12 में कितने का डिफरेंस, 8 का। ठीक है, यानी कि ये 8 हमारा आखिरी स्टेज पर है। ठीक, अगर हम 20 में 8 जोड़ दें, 20 में 8 जोड़ दें कितने बाद आ जाएगा, 28। ठीक है, और 28 में भी अगर हम 8 जोड़ दें, क्योंकि हमें भाई इन तीन लाइन बनानी है, 285 के सामने हमारा बनता है नहीं है, 28 में 8 जोड़ सा कितना आ जाएगा हमारा, 36। 44 में 28 जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, और हमारा 72 36 में 72 को 36 में जोड़ सा कितना आ जाएगा, 108।
आठ, ठीक है। इब हम 108 में, 105 में 72 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 177। 177 में 108 जोड़ने के बाद हमारा अगर देखते हैं कि 285 अगर आता है तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा राइट, ठीक। 8 7 15 का 5 का 7 और 1 8, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि हमारा 285 ये सही बन रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा बनता है 177, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 177, जो कि हमारे कौन सा ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी, ठीक है। इब हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कितने में, इब हम एक ही है ना डायग्राम, एक डायग्राम उठा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसमें लाइन है। इब हम इसी लाइन के हिसाब से देखते हैं इसमें कितनी है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि बी में 5 लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही लाइन में, यानी कि एक एक लाइन ऐसी दे रखी है, यानी कि एक लाइन ऐसी आनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कट जाएगा। इब ऑप्शन नंबर हम सी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी लाइन है 6, ये ऐसी ये, हमारी कितनी चाहिए थी 5, यानी कि हमारी 5 लाइन कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इधर जाने के लिए कितना हुआ, 1 का गैप, इधर जाने के लिए 1 का गैप, यानी कि 3 गैप अलग है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इधर से जाने के लिए 1 का गैप, ये क्या है ना इधर से, अरे इधर से गया 1 का, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना आ रहा, देख इधर से 1 का डिफरेंस करने के बाद इधर से 1 का डिफरेंस, 3 ये कट आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या रहा है, 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 1 का गैप आने के बाद, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें उस आकृति का चयन करें जबकि जो एक, जबकि एक भिन्न है, कौन सी भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी हमारी भिन्न है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 28 119 अनुपात 119, ये होता है हमारा बराबर 44 अनुपात x 56 238, ठीक। अब हमें इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगी, अब हम 28 से 119 कैसे बनाएंगे, 28 में अगर हम गुणा 4 की कर दें कितना आ जाएगा, 28 में 4 गुणा करके 112, ठीक। अब 12 तो आ गया, ठीक, जमा अगर हम 28 को 4 से भाग कर दें, 4 7 28, यानी कि 12 में 7 जोड़ते सर कितना आ जाएगा 119, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो हमारे लॉजिक है ना, ये राइट बन रहा है, ठीक है। 44 में 56 में 4 की गुणा करेंगे, 4 6 24 4 5 20 20 और 2 22, यानी 224। यहाँ क्या करना है, जमा करना है कितना, 56 को भाग करने किससे, 4 से, 4 एकम 4 4 6 16 14, यानी कि 4 4 8, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी 2, यानी कि 2 जुगा दो, यानी कि 238, यानी कि ये भी हमारा सही बन रहा है, ठीक है। 44 में 4 की गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 1 17 176 बनना, ठीक है। जमा 44 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, 11, 176 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 7 और 1 8 1, यानी कितना आ रहा, 187। 187 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों का बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, ठीक, सार्क डॉल्फिन टोडा, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन सा है, यानी कि सार्क भी एक मछली है, टोडा क्या है, टोडा अलग मछली हो जाएगी, ठीक है, और डॉल्फिन भी एक अलग हो रहा है, यानी कि इनमें अलग अलग कौन से, अलग अलग ऑप्शन कौन से, ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, कार वाहन पेट्रोल, ठीक है, वाहन, वाहन के अंदर क्या आती है, कार, ठीक है। जो वाहन होते हैं कुछ पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से भी चलते हैं, यानी कि यह आकृति बनती है, यह आकृति हमारी कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी बार की लाइन, तो हो जाएगी वाहन, अरे बीच की लाइन हो जाएगी कार, और ये हमारा हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति संगलम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, एवं इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इसे उठा लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ आया, यानी कि ये 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर आया, इसके बाद ये यहाँ पर आया, इसके बाद ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसमें देख लेते हैं इनमें चार में से कौन से, यानी कि ए में नहीं है, सी में नहीं है, यानी कि बी और डी में है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पर था, यानी कितना डिग्री घूम रहा, यहाँ आया इधर, इधर था तो जहर से बात ये इधर आया। ठीक है, इधर था आने के बाद ये कहाँ बनता है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ। इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कौन से इसमें आ रहा है। ठीक, यानी कि सी में भी, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं ये, इतने ये भी इसी के डाल, जिस तरह ये घूम रहा है चतुर्भुज वाला, यहाँ पर है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा इसकी जगह, यानी कि यहाँ पर। इसमें देख लेते हैं गोला कौन से में, इसमें नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें। कौन सा हो गया हमारा आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरी आकृति का संबंध वही है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, हमारा ये क्या, हमारी ये आकृति है। ठीक है, अगर हम इसको इधर यहाँ पर कोई जल पृथ्वी में रख लेते हैं तो ये उलट जाएंगे, जो कि इसमें हो रहा है। ठीक है, जब हम इसमें क्या करें, इसमें भी हम जल पृथ्वी में यहाँ रखते हैं, यानी कि पी कहाँ आ जाएगा, जो पी आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि पी बन जाएगा बी। ऐसा ऐसा कौन से में, एक तो सी में नहीं है और एक बी में नहीं है, यानी कि डी और बी, इनमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा बन रहा है। ठीक है, जमा का निशान है, जमा ये कहाँ हमारा, यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ, ये हमारा जल पृथ्वी में जाहिर सी बात है वही रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए चार वर्ण अंग्रेज वर्ण समूह में तीन वर्ण समूह निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन करिए, चयन भिन्न वर्ग समूह का चयन करें। टी, टी कितने पत्ते हैं, वो वी आर टी, वी कितने पत्ते हैं, वी मत है दो घटाने के बाद टी, यानी कि वी कितने पत्ते हैं 22 पे, टी कितने पत्ते हैं 20 पे, और आर कितने पत्ते हैं 18 पे। ठीक, ये हमारा ए के होंगे, ये हमारा बी ऑप्शन के, आई 9, एफ 6 पे है, सी 3 पे। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आर 18, ओ 15 पे, यानी कि इसमें 3 डिफरेंस, और एल 12 पे, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वी 22, एस कितने पे 19 पे, और पी 16 पे, यानी कि 3 तीन, इसमें भी तीन का, इसमें भी तीन का, इसमें भी तीन का, इसमें कितने का, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, यानी कि बिन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सकता है और पैटर्न को पूर्ण कर सकता है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि ये लाइन है ना, इस ये लाइन ऐसी है, यानी कि एक ऐसी एक ऐसी बननी थी, एवं यह लाइन तो देखो, यह भी लाइन पूरी है और यह लाइन है आधी, एवं इस लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं पहले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए कटता है। ठीक है, सी डी और बी, यानी कि ये कटते नहीं है, यानी कि ये भी इसमें देख लेते हैं, एक दो तीन, यानी कि तीन, इसमें कितने हैं, एक दो, एक ही हो रहा और एक ही हो रहा, दो है इसमें, इसमें तीन है, इसमें कितने, एक दो तीन चार, यानी कि सी भी कट गया हमारा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। या करती ऐसी है, ठीक है, या करती हमारी कैसी है, ऐसी, ठीक है, यानी कि इस हिसाब की आकृति हमें देखनी है, इनमें कौन सी बन रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कहीं बन रही है, घुमाने की अनुमति नहीं है ना इसमें, ऑप्शन नंबर ए में, अगर देखो ये बन तो जाएगी यहाँ पर, लेकिन ये इधर बननी थी, इस वाले में या इधर बननी थी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसमें बन रही है नहीं बन रही, इसमें अकॉर्डिंग टू देखो इधर देख लेते हैं, या बन गई इधर ऐसे, ठीक है, इधर या ऐसे, ठीक,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी में बने। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में तो ये कहीं बन नहीं रहा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, डी में देखते हैं, ये रहा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बन रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये नहीं है, ये वाली लाइन इसमें कटी हुई है, यानी कि ऑप्शन डी बार कट जाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। 19, 21, 5, 9, 15, 3, ठीक है, 10, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखना है। 19 और 20 कितने हो गए, 19 और 21 कितने हो गए, 41, 41 को हम, 19 और 21 कितने हो गए, 40, 40 को जब हम 8 से डिवाइड करें 5 आ रहा, 9 और 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24, 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 10 और 6, 16, 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 2, 2 हमारे कौन से, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक सुबह की सैर के दौरान अवनी 10 मिनट में 100 मीटर पैदल चलती है, उसी दर से वह 3 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी हुआ, 10 मिनट में कितनी कर रही हुआ, 100 मीटर, ठीक, वह 3 घंटे का मतलब कितना, 3 × 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, यानी कि 180 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी वह, यानी कि 10 मिनट में तो करी 100 मीटर, 180 में कितनी करेगी, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट में कितनी करी वह 10 मीटर, 180 मिनट में कितनी करेगी वह, इसमें 10 की गुणा कर दो सर कितने, 1800 मीटर, ठीक, 1800 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1.8 किलोमीटर हमारे, इसमें देख लेते हैं कौन से, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए पासे में एट द रेट हैच एस प्रतिशत के चिन्ह दक्षिणवर्त क्रम में एसएन पृष्ठों पर अंकित किए हैं और स्टार, ठीक, स्टार और एस को चिन्ह क्रम से ऊपर और नीचे रखे गए, सबसे नीचे है, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह के सबसे ऊपर, ठीक, तो ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सा चिन्ह होगा, एवं इसमें ये इसकी आकृति बना लेते हैं जैसे उसने खाया, ठीक है, यानी कि ये 4 आकृति है, ठीक, इसने कहा एट द रेट हैस, ठीक, एस प्रतिशत, ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो स्टार है यो ऐसा और ये डॉलर का ऐसा ही नीचे आएगा, ठीक है, इसने क्या कहा कि इसने पूछा है कि जो प्रतिशत वाला चिन्ह सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे वाले चिन्ह कौन सा होगा, यानी प्रतिशत हमारा ये है, इसके इस वाले ऊपर है, यानी कि प्रश्न वाला चिन्ह ऊपर है तो इसके विपरीत इधर क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा ये, एट द रेट के विपरीत यू और प्रतिशत के विपरीत क्या हो जाएगा, हैच, हैच कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, बिन आकृति का चयन करें, ठीक है, इसमें क्या, इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें देख लेते हैं, यानी कि एक गैप के बाद आ रही है, ठीक है, इसमें भी एक का गैप आ रहा है, देखो इसमें एक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते, इसमें एक आ रहा है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर सेम है, यानी कि बराबर में बैठे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या उसने पूछा है कि बिन बतानी, यानी कि बिन क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें देखो ये हमारा सेम दिखा रखा है, ये बराबर में है, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 24, उस आकृति का चयन कीजिए जो निमंकित आकृति संग्रह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक, इसमें ये हमारा ये था ना, ये कहाँ आ गया, इधर, इसके बाद ये कोने पर इधर आएगा, इसके बाद इसका नंबर कहाँ है, इधर आने का, इधर कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक निश्चित कोड भाषा में बी जी आई एन को 25, 2, 20, 3, 13 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में STARTER स्टार्टर को क्या लिखा जाएगा, यानी कि बी कितने पे होता है हमारा, दो पे होता है, दो यानी दो, बी कितने पे होता है दो पे, दो में 25 जोड़ दो 27, ई कितना होता है हमारे पांच पे, ठीक है, पांच में कोई लॉजिक नहीं बनना, पांच में 22 जोड़ते 27 होता है, ठीक है, इसी हिसाब अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनना है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, ये बी बी कितने पे बनाया है हमने, बी 25 पे, ठीक है, ई 5 पे हो ना, ई कितने पे बनाया, 2 पे, ठीक, जी कितने पे, 20 पे, ठीक, इसके बाद ये होता है आई कहाँ पे, 9 पे हो, लेकिन इसका 3, और एन हमारा 14 पे होता है, इसके भी 13, यानी कि जो हमारे वोविल सवर और वोविल्स है बी, यानी कि जो ए ई आई ओ यू है ना, उनमें तो उन्हें वैसी संख्या लिखी घटा गए, जबकि बी जी और एन इनका क्या लिखा, विपरीत, एस का विपरीत, एस कहाँ पर है 19, इसमें हमारे पहले में देख लेते सवर, ए सवर एक है इसमें ए, बस एस कहाँ पर है, एस 19 पर, 19 में 27 बनाने खातर कितना, 8, 8 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी में, यानी कि ए ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन हमारा कट चुका है, ठीक है, टी 20 पे, 20 के विपरीत 7, ये हमारा 1 पे है, ठीक है, आर हमारा है, आर कितने बोलता है 17, 18, यानी कि आना आएगा कितना, 18 में कितने जोड़े 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए, यानी कि बी हमारा गलती है, या आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त।